सभी दोस्तों, बहुत अरसे से जो एक्सरसाइज चल रही थी, बहुत अरसे से जो एक्सरसाइज चल रही थी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया, भाई वॉल्यूम बढ़ा दो ना इसका, कि मेरा वॉल्यूम बढ़ाओ। थोड़ा पीछे ले जाओ, थोड़ा पीछे। मैं बता रहा था कि करीब 2 साल से कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव की एक्सरसाइज पहले से शुरू हुई थी, उसके बाद में कोविड आया और वो पूरी जो प्रोसेस है थोड़े समय के लिए डीरेल हुई, बाद में वापस उसने पिकअप किया। और पिछले 6 महीने के अंदर उसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आया, सब मेंबर्स बने, पूरे देश के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जिसमें प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, ऐसे सब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। मेंबर की प्रोसेस आगे बनाने की प्रोसेस आगे चली। डेलीगेट चुने गए और डेलीगेट की उस प्रक्रिया जो है, भैया आप लोग बंद करो बातचीत करने का यार। हेलो, तो देश में हर एक ब्लॉक के अंदर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक एक प्रदेश डेलीगेट चुना जाता है, जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोट देने का अधिकार होता है। वो डिस्ट्रिक्ट में भी वोट देते हैं, वो प्रदेश में भी देते हैं, और वो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के उसमें भी वोट देते हैं, और AICC के सेशन के अंदर भी वो लोग भाग लेते हैं। उस पर से वो प्रक्रिया पूरी चली और उस प्रक्रिया के तहत लगभग 9,000 से 9,900 के करीब डेलीगेट पूरे देश में से चुने गए। और हर एक डेलीगेट को, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट चुनने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है उसके चुनाव के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव करने के लिए हमने पूरा प्रोग्राम वर्किंग कमेटी के सामने पेश किया। वर्किंग कमेटी ने उसको अप्रूव किया और उस हिसाब से ये पूरा कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव का कार्यक्रम को उसको इम्प्लीमेंट किया गया। आज का दिन पूरे देश के अंदर चुनाव का दिन था। जो डेलीगेट चुने गए थे उन्होंने सपने वोट डाले थे। करीब 9,500 डेलीगेट्स ने अपने वोट डाले, 9,900 में से 9,500 लोगों ने अपने वोट डाले। करीब करीब 96% वोटिंग हुआ है। छोटे छोटे जो स्टेट है वहाँ पर, जहाँ 25 वोट है, 22 वोट है या 30 वोट है, ऐसे छोटे छोटे जो संघ प्रदेश है उनमें 100% वोटिंग हुआ है। उसमें बड़े जो स्टेट है उसमें भी 95, ये सब प्रोविजनल डेटा दे रहा हूँ, आपको फुल डेटा कल मिलेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज 90% से ऊपर पोलिंग सभी जगह के हुआ गया है।
हमारी सबसे संतोषजनक बात यह है कि सभी राज्यों में 36 जगह के ऊपर जो पोलिंग बूथ हुए स्टेट के अंदर, वहाँ से कोई भी एडवर्स इंसिडेंस का एक भी इंसिडेंस हमारे हुआ नहीं है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिकली बिल्कुल ओपन प्रोसेस के साथ में, मीडिया के सामने सब चीज़ ओपन होते हुए और करते हुए पूरी इलेक्शन की प्रोसेस शांतिपूर्ण हिसाब से की जा रही है। जो कोई ऐसा बोलता है, कहे कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है। वो कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से एक बार प्रूव करके दिया है। जो दूसरी पार्टी उससे सबक लेना चाहे तो ले सकती है। मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि सभी राज्यों से चुनाव के जो आंकड़े हैं अभी आ रहे हैं और आएंगे, उसमें 3 बैलेट बॉक्स आ गए हैं हमारे पास में। एक तो दिल्ली के 2 बैलेट बॉक्स अभी आके जमा करके गए हैं दिल्ली स्टेट के, एक यहाँ का है। यहाँ पर जो AICC का जो बूथ था उसके अंदर 87 लोगों ने वो मतदान किया है। यहाँ पर जितने वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, वो बाहर से जो लोग आए थे, वो लोग AICC के बूथ के अंदर, और यात्रा के अंदर का जो बूथ अलग से लगा था पोस्टल बैलेट के हिसाब से वहाँ पर दिया गया था। यात्रा में 50 लोगों ने वहाँ मतदान किया है। यात्रा के अंदर राहुल जी ने भी मतदान किया। यहाँ AICC के बूथ में हमारे प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी, प्रियंका जी, श्री चिदंबरम जी और काफ़ी सीनियर लीडर सब ने यहाँ पर है तो पोलिंग किया है। पूरी प्रोसेस कैमरा के सामने ओपन थी। हमने 5-7 कैमरामैन को अलाउ किया था सुबह से लेकर शाम तक, और उनके सामने है तो पूरी वोट डालने की प्रक्रिया वहाँ पर है तो उन्होंने अपने उसमें रिकॉर्ड की गई है। और मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा इंसिडेंस है जो कैमरा के सामने फुल व्यू के साथ उनके अंदर से वोटिंग है तो डाली गई है बूथ के अंदर से। इतना मुझे आपके साथ में शेयर करना है। फ्लोर इज ओपन फॉर एनीबॉडी टू आस्क क्वेश्चन। AICC में 87 थे, 87 लोगों ने मतदान किया है। मतगणना का व्यू जो हमारे पास में है अभी हुए है कि सब बैलेट बॉक्स एक एक करके एक बैलेट, ये पूरी चादर है, इसके अंदर एक बैलेट बॉक्स के मत डाले गए, फिर उसके ऊपर दूसरा डाला गए तो उसको मिक्स करेंगे, फिर तीसरा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे, फिर चौथा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे, 36 बार। किसी को कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है, ये सीक्रेट बैलेट है और कोई भी पिन पॉइंट नहीं कर सकेगा कि किसने किसको वोट दिया और कौन से स्टेट में से ज्यादा मिला और कौन से स्टेट में से कम मिला। मैं आपसे बता रहा हूँ उसके अंदर के 9,600-9,500 के करीब है, और कल डेटा और भी आ जाएगा उसके अंदर। इसमें हुआ क्या कि जो हमारे सेक्रेटरी दूसरे स्टेट से गए तो वो भी उसमें जब वोट डाले तो वो उसके ऊपर आते हैं, तो वी विल जस्ट है तो कल बिल्कुल फिगर बिल्कुल साफ हो जाएगी। या नहीं, बिल्कुल आज चुनाव का दिन था तो सब वोट डालने में बिजी थे, तो किसी ने आज कंप्लेन नहीं की है।
हमने उनको कहा जितने जितना टाइम आप अगर जो लेटर लिखने में हमको डालते उतने टाइम आप प्रचार में डालोगे तो वोट ज़्यादा मिलेंगे। ये अपने आप इस इलेक्शन को उस इलेक्शन से कंपेयर मत करिए। यहाँ पर है तो उसमें क्या अपने जो कैनवास लीडर्स है या कैंडिडेट है उनके आदमी बाहर भी कैनवास करते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता उस तरह। इसलिए उसका कोई वो नहीं है, बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते आज ऐसा। मेरा अनुभव तो मैं बुरा थोड़ी बताऊंगा, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे सभी साथीदारों ने जो जिस मिलके तो काम किया इसी की वजह से ये पॉसिबल हो सका है। छोटे से छोटे डीआरओ से लेकर एपीआरओ से लेकर सब लोग तो उसमें जुटे, और आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि जैसे कोई एक कोई उत्सव हो रहा है इसी तरह पोलिंग बूथ को सजाया भी गया, मंडप भी बांधे गए, चाय पानी के नाश्ते की व्यवस्था भी लोगों ने वहाँ पर की, क्यू भी हुई उसके अंदर है तो उसमें, और बिल्कुल सजा के नंबर के साथ के अंदर बूथ नंबर फलाना पोलिंग स्टेशन ये वगैरह वो सब लिख के तैयार करके बोर्ड बोर्ड बना के है तो वहाँ पर वो कह गए। सुनो मुझे मैं पूरा कर लेना वो पूरा कर ले अरे मुझे पूरा कर ले दीजिए उसके ऊपर इसमें से। इसलिए हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा, मेरे ख्याल से प्रेस को भी हमने अच्छा अनुभव कराया क्योंकि आपने जो चीज़ मांगी हमने सब दी है इंफॉर्मेशन। यस बोलिए आप। सॉरी वो सुझाव देने हमारे इंटरनल है, वो हम देंगे हम पार्टी को सुझाव। हैंग ऑन प्लीज लिसन वेट अ मिनट। मे आई रिक्वेस्ट माई फ्रेंड ऑन द राइट साइड प्लीज प्लीज लिसन टू अदर्स एज वेल, यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन, अलाउ अदर्स टू आस्क एज वेल। वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट आई एम कमिंग टू यू वेट दिस। इट डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट एंड द प्लेनरी सेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। When the plenary meet, if they decide to have an election of the CWC, then there will be elections. But the president has to take a call of the CWC as well as the CAC. But I am not in a position to comment it today. Yep. Yes. I tell you, I just said, you know, in Bharat Jodo Yatra, there were 50 people who voted. In AICC, 87 people voted. There were 87 here. Total number is 9,915 and 9,497, which is around 9,500. There people have, I mean, the delegates had voted for, which comes to around 95% and so on. These are provisional data, we'll correct it. 100%. या वो क्यों पूछ रहे हो यार? आई कांट हियर यू आई एम सॉरी। नहीं हर जगह पे नहीं हुआ होगा रिकॉर्डिंग, यहाँ पर हमने किया है उस पर, लेकिन हर जगह पे इंफॉर्मेशन सबको सब जगह पे दी गई है। एंड यू आर मच मोर आई मीन क्या आप बोले हमारे से ज़्यादा होशियार आप लोग हो तो हमेशा कहीं से ढूंढ लेते हो कुछ ना कुछ चीज़ तो। देखो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उन्होंने आए सब देखा और अपने हाथ मतदान किया
और बाहर आके मेरे ख्याल से किसी ने मुझे बताया मीडिया को ऐसा गया, दिस इज़ द टाइम दैट आई वॉज वेटिंग फॉर, सो दैट्स अ देयर। ओके, किसके लेबल प्लेइंग फील्ड आपने जो फेस किया मतलब जैसे गुजरात का आपने का सबसे अच्छा अवसर दिया, कैंडिडेट कई जगह जा भी नहीं पाए, आज देखो दो चीजें हैं इसमें। डियर फ्रेंड मिस्टर सहारा प्लीज, द लेवल प्लेइंग फील्ड का ऐसा, देर आर सम थिंग्स विच एफेक्ट अस फॉर विच वी रेक्टिफाइड इमीडिएटली। नाउ देर आर सर्टन कंप्लेन विच वी रिलेटिंग टू द बिहेवियर ऑफ द वोटर। इफ आई लाइक यू आई विल गो इन योर मीटिंग, इफ यू डोंट लाइक आई वॉन्ट गो इन मीटिंग। नाउ देर द सी ए हैज नो रोल, सी ए कांट फोर्स यू गो टू एक्स मीटिंग एंड वाई मीटिंग एंड वाई यू टू बोथ द मीटिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर। इट्स अप टू द यूनिट एज वेल एज द इंडिविजुअल। पी सी सी प्रेसिडेंट इज नॉट जस्ट प्रेसिडेंट, ही इज वोटर्स ऑल्सो, सो यू फॉरगेट दैट कैटेगरी, यू नो दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। सर now what you think we should do? We are nowhere. That's what I'm saying. It can't be, it can't be. This is a question which is you can't answer it. In reality you can't implement it. You can't have a kind of a dictation ki nahi aapko sabko jana hi hai, aap sabko hazri wahan deni hai, aise nahi hota na. Aise only once you have lot of question most me, उन्नीस तारीख आने दो, 19 तारीख को अभी जैसे क्वेश्चन पूछा, बैलेट के ऊपर बैलेट बॉक्स के ऊपर बैलेट बॉक्स, बैलेट बैलेट के ऊपर दूसरा बैलेट बॉक्स, उसके ऊपर दूसरा, वो सब मिक्स करके कैट कर, जब पूरा हो जाएगा तब हम बता देंगे आपको। आप हमको इतना मत बांधो कि हम आपको चार बोले फिर आपने पांच क्यों रखा, फिर छठा टेबल क्यों रखा, लीव इट टू अस यार। यू आर कंसर्न विद द एंड प्रोडक्ट, वी विल गिव यू द एंड प्रोडक्ट, दैट्स इट। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।